हेलो गीता जी, मंजू जी, वेलकम। वी विल वेट फॉर अनदर कपल ऑफ मिनट्स एंड देन विल स्टार्ट। लेट सम मोर पीपल ज्वाइन। राजकुमार जी, वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। रणधीर जी, हेलो। रमेश कुमार जी, हाय। सो वेलकम एवरीवन टू अमूल फेसबुक लाइव। मेरा नाम मधु नाहटा है और मैं ओवन्स अप से हूँ। सो न्यू ईयर स्टार्ट हुए, ऑलमोस्ट 10 डेज हैव गॉन एंड आप लोग भी अपने रूटीन में बिजी हो गए होंगे, लेकिन कुछ अपने खुद के लिए पार्टीज़ का सीज़न गया एक्चुअली, बट थोड़ा बहुत अपने लिए कुछ करते रहें, अपने अपने अपनों के लिए करते रहें तो उसका मज़ा अलग ही होता है। सो आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि बहुत ही चटपटी है और स्ट्रीट फूड है। एक्चुअली इट इज़ फ्रॉम पूना, पुनेरी स्पेशल है ये, और इसके बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। वहाँ पे आपको हर मतलब स्ट्रीट पे इसकी बहुत सारी शॉप्स मिल जाएगी और हर शॉप का अलग वर्जन होगा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पुनेरी शेव पाव। शेव यानी सेव, जैसे लाइक आई एम फ्रॉम एमपी तो यहाँ पे सेव कहा जाता है, एंड महाराष्ट्र में सेव को शेव कहा जाता है। सो बेसिकली दिस इज़ फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र, तो हम इसे बुलाएंगे शेव पाव। ओके ये बहुत ही खट्टा मीठा और चटपटा होता है, लाइक इट कैन लिफ्ट योर मूड ऑल्सो, यू नो, इतनी डिलीशियस और बहुत इजी सी ये रेसिपी होती है। तो ये आज हम बनाने जा रहे हैं, जो आप वीकेंड्स पे बना सकते हैं, आपके घर पे कोई आ रहा है तो एज अ स्टार्टर या यू नो अ पार्ट ऑफ हाई टी मील भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। सो कीर्ति जी, आई होप आई हैव एंड रमेश जी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। वी आर मेकिंग पुनेरी शेव पाव टुडे, सो लेट्स बिगिन दिस रेसिपी। थैंक यू जिन्होंने अभी फिर से ज्वाइन किया है। माई नेम इज़ मधु नाहटा एंड आई एम फ्रॉम ओवन्स अप। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम इन द नेम ऑफ ओवन्स अप बाय मधु, एंड आपको हमारी रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप बनाते हैं तो फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा, गुड और बैड, वट एवर, आई एम ओपन टू फीडबैक्स। ठीक है, एंड आई रीड ऑल योर कमेंट्स एंड फीडबैक्स, तो लिखते रहिए, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, इट मोटिवेट्स अस। ओके सो लेट्स बिगिन टुडेज रेसिपी। वेरी सिंपल एंड ईजी टू मेक। वी आर मेकिंग पुनेरी शेव पाव टुडे। शेव यानी सेव, पाव हम सबको पता ही है बंस होते हैं, तो उससे हम ये रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले हम एक आलू का मिक्सचर बनाएंगे यहाँ पे। ओके तो आलू का मिक्सचर, आई होप दिस इज विजिबल। आप चाहें तो बॉइल्ड पटेटोज ले सकते हैं और आप उसको मैश कर लीजिए छील कर। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अमूल का मैश्ड पटेटो, ये पाउडर आता है, इसमें आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए तो बिल्कुल मैश्ड एंड बॉइल्ड पटेटोज की तरह बन जाएगा। इस तरह के फ्लेक्स आते हैं ओके पटेटो के। इसमें आपको क्या करना होता है, सिंपली वाटर डालना है। तो मैंने अबाउट टू, मैं वन सर्विंग बनाऊंगी आज, तो उसके लिए मैंने अबाउट 2 टेबल स्पून ऑफ दिस मैश्ड पटेटो लिया। आप 1 स्मॉल बॉइल्ड पटेटो ले सकते हैं इसके लिए, और इसमें मैं पानी डाल दूंगी। ओके सो इक्वल अमाउंट से थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक आई एम एडिंग 3 टेबल स्पून ऑफ वाटर। इस तरह से थोड़ा सा आप ज़्यादा पानी डालिए, बहुत नहीं डालना है, एंड यू कैन जस्ट लीव दिस असाइड। ओके दिस विल एब्जॉर्ब। ओके इसे हम यहाँ छोड़ देंगे, ये ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा आपको ज़्यादा पानी डालना होगा और उसे छोड़ देना है फॉर 2 to 3 मिनट्स। ओके एंड आपका पटेटो, मैश्ड पटेटो रेडी हो जाएगा। ओके अब हम नेक्स्ट चीज़ जो लेंगे वो है पाव। सो आई एम यूजिंग बर्गर बंस, राउंड वाले, जिसमें कि हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से आ जाएंगे। आप पाव भाजी वाला पाव भी यूज़ कर सकते हैं, बट आई फील दैट जो बर्गर बंस होते हैं ये रेसिपी को ज़्यादा अच्छी तरह से होल्ड करता है। तो आई वुड सजेस्ट आप बर्गर बंस जो राउंड वाले होते हैं कम्प्लीटली क्लोज्ड, इनको आप यूज़ करें।
बीच में हम हमारे मैश्ड पोटैटोज़, देखिए बिल्कुल सही जैसे बॉईल आलू होता है वैसे बन गया है। और एक मिनट छोड़ देते हैं, तब तक हम दूसरी प्रिपरेशन कर लेते हैं। एक शार्प नाइफ लेके आप इस बन को बीच में से कट कर दीजिए। बर्गर बन्स इजीली अवेलेबल होते हैं, आप नहीं है तो आप पाव भाजी वाला पाव भी यूज़ कर सकते हो। बट एज आई सेड, दिस रेसिपी यू नो, जो इंग्रेडिएंट्स हम इसमें डालेंगे वो अच्छी तरह से एक बड़े बन में ही होल्ड होंगे। इसको नीटली आप काट लीजिए ऐसे टू पीसेस में, और हम थोड़ा थोड़ा बटर अप्लाई कर देंगे। अमूल बटर आई एम गोइंग टू यूज़, अमूल बटर ये हम थोड़ा थोड़ा लगा देते हैं दोनों तरफ, सो दैट इट होल्ड्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स वेरी वेल, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो अमूल घी भी यूज़ कर सकते हैं फॉर टोस्टिंग दिस। ओके, तो ये हमने बटर लगा दिया है। फॉर नाउ लेट्स कीप दिस असाइड, और हम हमारा पैन भी स्टार्ट कर लेते हैं। तवा आप यूज़ कर सकते हो, जो भी आपके पास है, नॉन स्टिक या रेगुलर आप तवा यूज़ करें, जो भी आपके पास है। ओके, सो ये एक साइड में हीट होता रहेगा, तब तक हम हमारी फिलिंग बना लेते हैं और बंस में डाल लेते हैं। सो जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया है, माय नेम इज़ मधु नहाटा और मैं ओवन्स अप से हूँ। आज हम बना रहे हैं पुनेरी शेव पाव। ओके, पुना का ये स्ट्रीट फूड है, बहुत फेमस, जैसे वड़ा पाव होता है वैसे ही शेव पाव बहुत फेमस है। मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सॉल्ट, और मैं डालूँगी इसमें रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। ओके, जो रोस्टेड क्यूमिन पाउडर होता है वो मैं डालूंगी। सो अबाउट टू बिग पिंचेस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ज़्यादा कम कर सकते हैं। कई लोगों को जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है तो वो उस हिसाब से डाल सकते हैं बढ़ा के। ओके, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो मैंने लिया अमूल का इंस्टेंट मैश्ड पोटैटो पाउडर, आप चाहें तो बॉइल्ड पोटैटो ले सकते हैं और उससे पील करके मैश कर लीजिए। वन स्मॉल पोटैटो फॉर वन सर्विंग। मैंने 2 tablespoons ऑफ ये मैश्ड पोटैटो का जो फ्लेक्स है या पाउडर है वो लिया, और 3 tablespoons उसमें पानी डाल के 3 minutes के लिए छोड़ दिया। तो इस तरह से बिल्कुल ग्रैन्यूलर हमारा मैश्ड पोटैटो पाउडर रेडी हो गया है, स्टफिंग रेडी हो गई, जिसमें मैंने रोस्टेड क्यूमिन पाउडर यानी भुना जीरे का पाउडर यूज़ करा है और सॉल्ट। ओके, तो चलते हैं प्रोसेस में आगे। सो मैंने लिए हैं बर्गर बंस यहाँ पे, सबसे पहले ऑन वन साइड ऑफ द बर्गर बन, आई होप ये आपको क्लियरली दिख रहा है, मेक इट लाइक दिस। ओके, एक साइड मेरे पास है इमली की चटनी, वो मैं लगाऊंगी, इमली की चटनी आप अच्छी तरह से जनरसली स्प्रेड कर दीजिए। जैसे मैंने बताया था ये खट्टा मीठा भी है और चटपटा भी है। ओके, तो एक तरफ मैंने इमली की चटनी लगा दी है और दूसरी साइड मैं बनाऊंगी ग्रीन चटनी, लगाऊंगी ग्रीन चटनी। ओके, थोड़ी तीखी आप ये ग्रीन चटनी बनाइए और इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी पतली रखिए, जैसे स्ट्रीट फूड पे होती है ना उसी टाइप से। घर में जब हम बनाते हैं तो थोड़ी गाढ़ी होती है, लेकिन जब आप स्ट्रीट फूड खाएंगे तो आप देखेंगे कि ग्रीन चटनी भी बहुत पतली होती है और उसका टेस्ट अलग आता है, थोड़ी तीखी होती है। ओके, तो आप वैसी उसी टाइप की बनाइए। कोरिएंडर लीव्स ले लीजिए, धो लीजिए, अदरक डालिए, थोड़ा सा लहसुन अगर आप खाते हैं तो, इफ़ यू डोंट ईट गार्लिक यू कैन जस्ट स्किप इट। आप उसमें सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला और अदरक, ये सारी चीज़ें, और थोड़ी सी मूंगफली के दाने डाल के आप उसको बना सकते हैं। ओके, तो हमने बंस लिए, बटर लगाया अमूल का, और एक तरफ मैंने लगाई है इमली की चटनी, एक तरफ मैंने लगाई है ग्रीन चटनी। ओके, अब हम लगाएंगे ये पोटैटो का जो पाउडर है हमारे पास, मैश्ड पोटैटो की जो फिलिंग हमने बनाई है वो हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। सो वन स्मॉल पोटैटो पर सर्विंग विल बी गुड इनफ।
or 2 tablespoons of Amul mashed, instant mashed potato powder will be good enough. Okay, halka sa press kar dijiye so that it doesn't come out. So jinhone bhi abhi join kiya hai, hum bana rahe hain puneri shev pav. बहुत ही चटपटी और खट्टी मीठी ये रेसिपी होती है और बहुत ही डिलिशियस होती है. जस्ट क्लीन दिस. ओके, अब नेक्स्ट चीज़ जो हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं, मेरे पास है टमेटो और अनियंस. ओके, तो ये मैं इसके ऊपर लगाऊंगी. आप चाहें तो इसके ऊपर क्यूकम्बर भी लगा सकते हैं, बट आई प्रिफर इट ऑथेंटिक स्टाइल. जैसा पूना में बनता है मैं वैसा ही प्रिफर करती हूँ. सो मैं डालूंगी अनियंस. और टमेटो इसके ऊपर. आप चाहें तो ऊपर से थोड़ा सा और सॉल्ट डाल सकते हैं. वेरी कलरफुल इट इज लुकिंग. ओके, अब इसमें आता है मेन इंग्रेडिएंट जो है हमारा, वो है शेव या सेव. तो मैं यहाँ पे नायलॉन सेव ले रही हूँ, जीरो सेव. आप चाहें तो रतलामी सेव या जो गार्लिक वाली भुजिया आती है वो भी आप ले सकते हो. ये हम इसके ऊपर डाल देंगे. वाओ, Already it is looking so so delicious. ये मैं लगा दूंगी इस पर. थोड़ा सा अब हम डालेंगे चाट मसाला, very little. So मैं थोड़ा सा चाट मसाला इसके ऊपर भुरकने वाली हूँ. आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं. ओके, एंड अब मैं ये, आप चाहें तो चीज़ भी लगा सकते हैं, इसके बहुत सारे वेरिएशंस आते हैं. चीज़ लगा सकते हैं, केचप लगा सकते हैं, मेयोनीज लगा सकते हैं, बट आई लाइक इट जैसा पुना में बनता है बिल्कुल वैसा ही. इसको हम कवर कर देंगे और हल्का सा प्रेस कर देंगे. ठीक है, तो ये हमारी फिलिंग तैयार हो गई. ओके, अब हम इसको अमूल बटर के साथ सेक लेंगे. ओके, लेट मी ब्रिंग दिस क्लोजर. मैं लूँगी यहाँ पे अमूल बटर. मेल्ट कर लीजिए, अभी का मौसम थोड़ा ठंडा है, मोस्टली सिटीज़ में ठंडक है. सो थोड़ा सा पहले इसको मेल्ट कर लीजिए एंड यू कैन जस्ट कीप इट लाइक दिस. और इसको हम सेक लेंगे दोनों तरफ से दबा के. हल्का सा इसको दबा लीजिए. तो हम बना रहे हैं पुनेरी शेव पाव. अच्छी तरह से सारा बटर हम कवर कर लेंगे और ऊपर से भी मैं एक जनरस अमाउंट ऑफ अमूल बटर लगाऊंगी. आप चाहें तो अमूल शुद्ध घी या काऊ घी भी यूज़ कर सकते हो, और आप चाहो तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, बट आई थिंक अमूल बटर के साथ दिस टेस्ट द बेस्ट. इसको अच्छी तरह से दबा के हमें सेकना है. आई विश ये खुशबू मैं आपके साथ शेयर कर पाती जो अभी मेरे घर में आ रही है ऑफ दिस रेसिपी. It is so so delicious. तो इसे हम for 2 minutes सिकने देंगे. Let me bring this closer. पुनेरी शेव पाव हम बना रहे हैं. Very delicious recipe and good for जब आपको snacks बनाने हो तो आप ये बना सकते हैं and serve कर सकते हैं. खुद के लिए भी बनाएं.
हमारा ऑलमोस्ट हो गया है. अब हम इसको सर्व करने के प्रोसेस में चलते हैं. लेट मी गेट माय प्लेट. आई विल जस्ट क्लीन दिस. फ्लेम मैं ऑफ कर देती हूँ. इसे हम यहाँ पे पलट के निकाल लेते हैं. ओके, ये हमारा पनीरी शेप आ रेडी है. एंड आप चाहें तो इसको कट करके भी सर्व कर सकते हैं या डायरेक्टली भी. ओके, मैं इसको ऐसे ही सर्व करूँगी एज अ फुल बन. ओके, एंड इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा मेयोनीज. मैं मेयोनीज डाल रही हूँ इसके ऊपर, नॉट मच. आपको नहीं पसंद है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आप मेयोनीज डालेंगे तो टेस्ट अच्छा आएगा. एंड ऊपर से हम डालेंगे थोड़ी और सेव, क्योंकि हमने बनाया है शेव पाव, तो लिटिल बिट ऑफ मोर शेव. और मैं डालूंगी थोड़ा सा धनिया. फॉर गार्निशिंग. और मैं इसको सर्व करूंगी कुछ चिप्स के साथ. ये ऑप्शनल है, बट हाँ, बच्चों को, बड़ों को, सभी को चिप्स पसंद आते हैं. सो मैं इसको चिप्स के साथ सर्व कर रही हूँ आज, लाइक दिस. ओके, आपके घर में अगर गेस्ट आते हैं आप उनके लिए बनाइए, सबको बहुत मज़ा आएगा. लेट मी जस्ट कीप दिस ऑन द फाइनल प्लेस एंड देन शो इट टू यू. सो आज हमने बनाया पनीरी शेव पाव. वेरी इजी रेसिपी. मैंने बर्गर बंस लिए, मैश्ड पटेटो लिया, मैंने अमूल का इंस्टेंट मैश्ड पटेटो यूज़ किया. आप चाहे तो बॉईल करके आलू ले सकते हैं. उसमें मैंने सॉल्ट डाला, जीरा पाउडर डाला, रोस्टेड जीरा पाउडर, उस फिलिंग को तैयार कर लिया. बर्गर बंस के दोनों तरफ मैंने बीच में से कट करके अमूल बटर लगा दिया. एक तरफ ग्रीन चटनी, तीखी सी बनाइएगा, और खट्टी मीठी इमली की चटनी एक तरफ लगा दी. फिर मैंने आलू की फिलिंग लगाई, प्याज टमाटर लगाया. आप चाहे तो दूसरे वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं, बट दिस इज़ द ऑथेंटिक वर्जन. थोड़ा सा चाट मसाला डाला एंड उसे क्लोज करके अमूल बटर के साथ सेक लिया. आप चाहे तो घी या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं. और ऊपर से और अंदर सेव भी डाली, क्योंकि हम सेव पाव बना रहे हैं. और ऊपर से गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा मेयोनीज डाला और सेव डाली. और मैंने ज़ीरो सेव यूज़ किया है. आप कोई भी भुजिया यूज़ कर सकते हैं या रतलामी सेव भी यूज़ कर सकते हैं. एंड फिर मैंने उस पर ग्रीन कोरिएंडर डाला फ्रेश, और उसको कुछ आलू के चिप्स के साथ सर्व किया है. सो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी. लेट मी शो यू द फाइनल. ये देखिए, ये हमारा पनीरी शेव पाव. I am sure this is looking so delicious to all of you. तो ये रेसिपी कैसी लगी मुझे बताइए कमेंट्स में. और लाइक और शेयर करना मत भूलेगा. एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ओवन्स अप बाय मधु ऑन इंस्टाग्राम. मैंने लिंक मेंशन किया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो आप चेकआउट कर सकते हैं. सो थैंक यू एवरी वन. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग. एंड आई विल सी यू डे आफ्टर टुमारो सेम टाइम विद अ न्यू रेसिपी एट 1 PM. Thank you and have a good day.